अल्लाह रहमान रहीम। एग्जिस्टिंग पेज जो हमारा ऑलरेडी था उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। टैम के नाम से हमने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर भी कभी भी कॉन्सेंट्रेट आपने नहीं करना डिज़ाइन पे जाके। ठीक है, आपने कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना, आई टोल्ड यू, आपने लाइव व्यू पे जाके ब्राउजर्स के ऊपर इसके डिज़ाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ आपसे, मैं नेविगेशन पैन ऐड करने की बात कर रही हूँ, जो मैं बॉक्स वन के या बॉडी पार्ट के पहले करूँगी। अपने हिसाब से यू कैन ईजिली चेंज योर वेबसाइट क्राइटेरिया। मैं यहाँ पर बॉडी पार्ट से मैंने एंटर किया है और एंटर करने के बाद मैं एक नेविगेशन के नाम से एरिया बना रही हूँ। सबसे पहले मैं उसका नाम रख रही हूँ नेव बार। स्पेस अलाउ नहीं होता नाम के अंदर, याद रखिएगा। सो मैं बॉडी पार्ट से पहले चाहती हूँ तो मैं पहले आ जाऊँगी। आईडी नेव बार के बाद यहाँ पर सेटिंग्स देते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले हम लोग इसके वेद कंसीडर करते हैं 1200 px, बाकी सबकी भी यही थी। हाइट डिसाइड की है हमने 400 wide, मैं सिर्फ 100 ले रही हूँ। उसके बाद विद हाइट मार्जिन सेट कराऊंगी सेंट्रल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ब्लैक। अच्छा, इफ यू वांट टू गिव द ग्रेडियंट कलर, आप चाहती हैं कि आपको दो कलर देने, तो वो आप कैसे देंगे? आपने पहले वेबसाइट्स पे जाना है, ग्रेडियंट यूआई वेबसाइट। यहाँ पर आपको प्री डिज़ाइन ग्रेडियंट्स कलर मिलते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन तो एडोब पे जाके अपना डिज़ाइन खुद से भी कर सकती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी बता दूँगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और दिस इज़ वेरी गुड। इसके अलावा कलर्स भी एक ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए ग्रेडियंट बने बनाए कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर ग्रेडियंट डिज़ाइन हुए हुए हैं। सो जौन सा मुझे ग्रेडियंट समझ में आ रहा है, मैं उसको यहाँ से अब कलर कॉपी कैसे करेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया, इसके कलर्स ऊपर जा रहे हैं। आपने यहाँ आके बैकग्राउंड कलर के बदले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर लिखेंगे आप लीनियर ग्रेडियंट, पैरेंथेसिस ऑप्शन करने हैं आपने, दिस इज अदर पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर आके आपने वो कलर को लिखना है, पहले लिखेंगे आप टू राइट, ठीक है, देन कॉमा। यहाँ पर पहला कलर पिक करना आपने, यहाँ से मैं कॉपी करके हैश के साइन के साथ यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, देन मैंने यहाँ पर आके अगेन कॉमा दिया, अब मैं सेकेंड कलर पिक कर रही हूँ। और मैंने उस प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया, फाइल सेव, इसको ब्राउजर्स में रिकॉल, सी द कलर इफेक्ट दिख रही है दो कलर में। अपने पास इस प्रॉपर्टी को राइट डाउन कर लीजिए प्लीज, चार कलर। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये कलर जो है वो ये लेफ्ट पर आ जाए, ठीक है, और ये राइट पर चला जाए। तो मैं सिंपल प्रॉपर्टी क्या मेंशन करूँगी, टू राइट के बदले मैं इसको लेफ़्ट कर दूँगी। तो सेम वही ट्रांजैक्शंस, वही ग्रेडियंट कलर रोटेट हो जाएगा दूसरी साइड के ऊपर। ठीक है जी,
अब यहाँ पर मैं नेविगेशन बार कॉल करा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर नीचे आऊँगी और यहाँ पर हैश के साइन से मैं बनाऊँगी नेव बार ULLI। सबसे पहले UL खोलती हूँ। UL का पर्पस मैंने बताया था, किस लिए यूज़ होता है गर्ल्स? वाई वी यूज UL? एन ऑर्डर लिस्ट, याद रखा करें। ULLIA। मैंने ये तीन टैग्स आपके सामने ओपन कर लिए, ठीक है। मैं आगे लेके जाती हूँ, नेव बार ULLI होवर। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने बना ली है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले सोर्स कोड पर आऊँगी, यहाँ पर मैं टैग खोलूँगी UL का और UL के टैग को बंद कर दूँगी। यहाँ से मैं UL के टैग को नीचे लेकर आ जाऊँगी, यहाँ पर आकर मैं LI देन क्लोज LI, LI फॉर द लिस्ट, पता था आप सबको। यहाँ पर AH रेफरेंस, अभी कुछ भी कोई भी पेजेस नहीं बने हुए इसलिए मैं इसको क्लोज कर रही हूँ यहीं पर ही, ठीक है। और यहाँ पर लिख रही हूँ होम। अब आपके माइंड में होगा कि मैंने ये हैश क्यों लिखा। देखें, अगर आपके पास होम का पेज बना हुआ होगा तो आप उस होम के पेज का लिंक यहाँ डाल देंगे। अभी तो हमने कोई एक्स्ट्रा पेजेस नहीं बनाया ना। अगर आप वेबसाइट पर जब भी देखती हैं, वेबसाइट पर जब आप क्लिक करती हैं ना इसके ऊपर, इन टैब्स पर क्लिक करेंगी आप, तो वो चीज़ खुल कर आएगी जो प्री डिज़ाइन आपने की है, ठीक है। अदरवाइज वो चीज़ ओपन होकर नहीं आएगी। ये काम करने के बाद सेम लाइक दैट आपने कॉपी किया उसको एंड देन प्रेस एंटर वी। अब नेविगेशन आपके हिसाब से इतने ही आपको नेविगेशन चाहिए। आपने होम के बाद इसको अलाइन करना सीक्वेंस से बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट देन फाइल एंड सेव ऑल, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं इसको इस तरह से आ जाएगा। सी द मेथड इज, यहाँ पर आकर अगैन अब इसकी सेटिंग्स बाकी है। सबसे पहले UL आपने डिसाइड करना है कि आपको इसके विड्थ कितनी चाहिए। आपने कहा मुझे विड्थ चाहिए 150px हर UL की, मतलब जिस बॉक्स में आपने लिखा है UL, जिसमें आपने होम लिखा उसका UL की सेटिंग दे रही हूँ मैं। फिर आपने कहा हाइट कितनी हो, मैंने कहा भाई हाइट जो है वो 50 बहुत है, ठीक है। लाइन हाइट मैं दे देती हूँ 20px। उसके बाद फ्लूट, या फिर एक काम करते हैं मैं यहाँ पर LI की सेटिंग कर देती हूँ। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़, मैं इसकी सेटिंग को यहाँ सेट आगे बल्कि ULLI पे डाल देती हूँ, ठीक है। वेदन हाइट में वहाँ दे रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं लिस्ट टाइप नन दे देती हूँ, मतलब जो लिस्ट टाइप किसे कहते हैं सुन लें पहले, जो पॉइंट्स आ रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिस्ट टाइप की एक प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। लिस्ट स्टाइल टाइप लिखा हुआ है एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दी नन, ये बन हो गया। फाइल सेव ऑल एंड इसको रन करा दें। हट गए पॉइंट्स यहाँ से और विड्थ भी बढ़ गई, ठीक है। अब आप जो बात करनी है ये वो कहलाती है फ्लूट। फ्लूट लेफ्ट, ठीक है। डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब इन लाइन, मतलब इन अ सीक्वेंस लाइन, ठीक है। डिस्प्ले इन लाइन रख दिया, मतलब डिस्प्ले का मतलब जो शो होगी वो सीक्वेंस लाइन में शो होगी। देन इन लाइन एंड ब्लॉक, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट इज, जवाब मिल गया। अरीबा, लाइन हाइट थोड़ा सा सेंटर लाइन करते हैं, बहुत ऊपर है लाइन हाइट इसकी। लाइन हाइट देते हैं
नीचे आना शुरू हुआ, साइज फॉन्ट का, क्लिक ऑन द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली गौथम इसमें ऐड नहीं है। अच्छा फॉन्ट फैमिली ऐड कैसे करते हैं मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को, एडिट फॉन्ट लिस्ट, यहाँ पर सर्च करें जो आपको लैंग्वेज चाहिए। मुझे ये चाहिए थी, लाइट में ले रही हूँ मैं, थिक में नहीं हूँ, मैंने ओके किया तो मेरे पास ये लिस्ट के अंदर लाइट आ गया, ठीक है, देन क्लोज इट। यहाँ पर आने के बाद ओके 50 हो गया आई थिंक, इसको मैं 7 कर देती हूँ, विद 40 कर देती हूँ, सॉरी हाइट तो ओके है, 50 थी ना, 120, फाइल सेव ऑल एंड देन रन इट। सी अब इसमें एक मसला आ रहा है, अगर आप देखें गौर से, इट्स लुक लाइक दैट। तो मसला क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है कि यहाँ पर कलर नहीं दिख रहा हमें, दूसरा इसके नीचे लाइन लाइन कहलाती है, ये हाइपर लिंक की लाइन है कि मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा, ये बताना चाह रही है लाइन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर आकर ULLIA के ऊपर आने के बाद सबसे पहली चीज़ टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब जो लाइन आ रही है हाइपरलिंक की उसे मुझे ख़त्म, लिंक तो वैसे ही रहेगा ना, अगर मैं लिंक हटा दूंगी तो फिर क्या मसला होगा। देखो अगर मैं यहाँ से इधर देखो, मैं यहाँ से ये एंकर टैग हटा देती हूँ, मैंने इसको ख़त्म कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल एक्स से कट